Good morning, students. Today we will start our new chapter of English language, that is the adjective. Definition is given here. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. यानी किसी noun के meaning में कुछ add करने के लिए जो word हम use करते हैं उसे हम adjective के नाम से जानते हैं, उसे हम adjective कहते हैं. Example is given here. Pushpa has short hair. Ajit has bought a new motorcycle. तो यहाँ पे short hair और new motorcycle में आप देख रहे हैं two words आ रहे हैं, short and new. तो ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे डिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं. द वर्ड शॉर्ट डिस्क्राइब्स हेयर एंड द वर्ड न्यू डिस्क्राइब्स अ मोटरसाइकिल. दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव. तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन. एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले या नाउन के बाद में, नाउन के अंत में हम रख सकते हैं. इट कैन बी यूज इन टू डिफरेंट वेज. ये दो डिफरेंट वेज में यूज हम इसे कर सकते हैं. इट कैन बी यूज इन टू डिफरेंट वेज, एट्रिब्यूटिव यूज एंड predicative use. So let's see, when an adjective is used before the noun, जब एक adjective noun के पहले use होता है, it is called attributive use of adjective. तो इसे हम attributive use of adjective कहते हैं. Predicative use, when an adjective is used after the verb and forms part of the predicate. जब एक adjective use होता है after the verb, यानी कि verb के बाद में use होता है और form करता है part of the predicate के part को form करता है, बनाता है, तो ये कहा जाता है, then it is called predicative use of adjective. इट इज़ अ स्वीट मैंगो. एट्रीब्यूटिव यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, नाउन के पहले आपके स्वीट लग गया है, मैंगो के पहले स्वीट लगा है. दिस मैंगो इज स्वीट. यहाँ नाउन के बाद में देखिए, दिस मैंगो इज स्वीट. प्रेडिकेटिव यूज़ आपको दिख रहा है क्योंकि वर्व के जो वर्व है के बाद में आपका एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है अगर, तो या वो अगर प्रेडिकेट का फॉर्म पार्ट बना रहा है और वर्ब के बाद में यूज़ हो रहा है तो वो प्रेडिकेटिव यूज़ ऑफ एडजेक्टिव होता है. आप लोगों ने अभी देखा ही है. तो यहाँ पे दिस मैंगो इज स्वीट, ये आपका प्रेडिकेटिव यूज़ है. मैंगो के बाद में आपके प्रेडिकेट का जो फॉर्म जो पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, तो स्वीट यहाँ पर आपके मैंगो के बाद में आ रहा है. सो दिस इज़ प्रेडिकेटिव यूज़. काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. एडजेक्टिव आपके फॉलोइंग काइंड्स के होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी हम कहते हैं इसे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. सो हियर सेवन काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर गिवन. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स विच टेल्स अस ऑफ वॉट काइंड अ पर्सन और थिंक इज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो एडजेक्टिव हमें ये बताते हैं किस प्रकार का, किस तरह का व्यक्ति या कोई वस्तु है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कही जाती है. दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का है, इसका आंसर हमें मिलता है. नाउ सी, ये मुंबई इज अ लार्ज सिटी. ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन. यहाँ देखिए, अमित इज़ अ टॉल बॉय. ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. द एडजेक्टिव्स लार्ज, ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट, टॉल एंड इंटेलिजेंट टेल अस द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. तो ये क्वालिटी बता रहा है, शहर कैसी है. शहर जो है वो लार्ज है, सिटी लार्ज है, बड़ी है. पर्सन कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है. सो ये हमें क्वालिटी को बता रहा है. सो दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. नाउ सी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. जो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटी किसी चीज़ की, कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ है, उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये आंसर करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी है, कितनी मात्रा में है, हमें इससे ये पता चलता है. देयर इज़ अ लिटिल टी इन द केटल फॉर एग्जाम्पल. यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं. तो यहाँ लिटिल टी आप देख रहे हैं, तो लिटिल वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे कि कितनी मात्रा में केटल में चाय है. द एडजेक्टिव लिटिल एनफ एटसेट्रा टेल्स अस द क्वान्टिटी ऑफ अ थिंग. ये क्वांटिटी को बताता है. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
Adjectives of number or numeral adjectives. Adjectives which tell us how many persons or things are meant or in what way or order a person or thing stands are called adjectives of number. Adjective जो हमें बताता है कि कितने लोग या कितनी वस्तुएं जो हैं वो हैं are meant बनी हैं है, और in what way or order a person or thing stand या किस order में किस श्रृंखला में एक व्यक्ति या वस्तु जो है वो खड़ी होती है रहती है इसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. ये आंसर देते हैं हमें इस क्वेश्चन का हाउ मेनी कितने हैं. आई हैव 10 रुपीज़. आई हैज गॉट 6 फिंगर्स इन. आई हैव 10 रुपीज़ फॉर यू. ही हैज गॉट 6 फिंगर्स इन हिज राइट हैंड. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं द एडजेक्टिव्स 10, 6 एटसेट्रा टेल्स अस हाउ मेनी पर्सनस और थिंग्स देयर आर कि कितने पर्सन या चीज़ें यहाँ पर हैं और इन वॉट ऑर्डर या किस ऑर्डर में एनी ऑफ देम स्टैंड इनमें से कोई भी स्टैंड करता है रहता है. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ऐसे जो एडजेक्टिव्स हैं इन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं. नाउ सी डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन थिंग्स और प्लेस आर मीन्ट. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये पॉइंट आउट करती हैं आपके इंगित करती हैं किसी भी पॉइंट को शो करती हैं कि जो व्यक्ति या चीज़ें या प्लेस बनी हुई हैं आर मीन्ट. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन थिंग्स और प्लेसेस आर मीन्ट. जैसे कि दिस गर्ल इज़ वेरी प्रिटी. यहाँ पर देखिए डैट बॉय टॉप्ड द क्लास. तो यहाँ पे दिस दैट दीज दोज वी डोंट लाइक सच थिंग्स. तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स हैं द एडजेक्टिव्स दिस दैट दीज दोज एंड सच पॉइंट आउट विच पर्सन्स और थिंग्स आर मीट कि कौन से पर्सन या व्यक्ति जो है यहाँ पे किसकी ओर आपका इशारा है जो भी यहाँ पर है. सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे आप डेमोंस्ट्रेट करते हैं यहाँ पे. सो दिस इज कॉल्ड डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. वर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज एज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं वेन दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन. जबकि नाउन के पहले रखे जाते हैं वेन यूज अलोन. लेकिन जब ये अकेले यूज होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में हम इन्हें कंसिडर करते हैं माने जाते हैं. ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं जब ये अकेले यूज होते हैं. This book is mine. This qualifies the noun. Book को qualify कर रहा है. Therefore is it is an adjective. This is my book. This stand for the noun book के लिए यहाँ पे stand कर रहा है. Therefore it is a pronoun. तो ये pronoun है. We use this and that with singular nouns. Singular nouns के साथ हम this और that का use करते हैं. These and those का हम plural nouns के साथ में use करते हैं. Distributive adjective. Distributive adjective show that the person or things from a group are taken one at a time. Distributive adjective जो है वो दिखाता है कि जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है वो फ्रॉम अ ग्रुप एक समूह में से आर टेकन वन वो एक के रूप में हम उसको मानते हैं एट अ टाइम एक समय में. ईच मैन हैज़ हिज ओन ड्यूटी टूवर्ड्स द नेशन. वी ड्रिंक टी एवरी डे. हेयर मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन. द एडजेक्टिव्स ईच एवरी एटसेट्रा रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स टेकन सेपरेटली. तो अलग से किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Words each, every, either and neither are used as distributive adjectives. ये distributive adjectives के तरीके से use होते हैं when they are before the noun. जब ये noun से पहले होते हैं each, every, either, neither तो ये distributive adjective के तौर पे हम use करते हैं when they are used in place of noun. लेकिन जब ये noun की जगह पर use होते हैं they are called distributive pronoun. तो ये distributive pronoun कहे जाते हैं. I can give a candy to each boy. यहाँ distributive adjective है as it qualifies a noun. क्योंकि यहाँ पे noun को qualify कर रहा है. I can give a candy to each of us. तो यहाँ पे distributive pronoun है as it stands for a man. क्योंकि यहाँ एक आदमी के लिए ये stand हो रहा है. Interrogative adjective. The word what, which and whose are called interrogative adjectives.
when they are used with nouns or for asking question, जब ये nouns के साथ use होते हैं ताकि ये question पूछ सकें हम, तो ये use जब होते हैं तो interrogative adjective, हम इनको interrogative adjective के नाम से जानते हैं. The words what, which, whose, ये सारे words जो हैं आपको कहीं ना कहीं आप question पूछने के लिए use करते हैं. When they are used with noun फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो नाउन के साथ जब हम यूज़ करते हैं इसी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं. वॉट काइंड ऑफ मैन इज ही, तो यहाँ देखिए वॉट जो है किस तरीके का आदमी है, तो नाउन के साथ में हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा. जस्ट लाइक दैट, विच बुक डू यू वॉन्ट, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. सो वी विल कंटिन्यू आवर दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू, दैट्स ऑल.